हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल स्कूल। आजकल दोस्तों आज आपके सामने लेके आए हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। जी हाँ, शैक्षिक तकनीकी। दोस्तों ये टॉपिक जो है आपके लिए, अगर आप बीएड कर रहे हो, अगर आप बीटीसी कर रहे हो, एमएड कर रहे हो, तो इसमें जो ये कोर्स होता है उसमें शिक्षक तकनीकी एक पार्ट के रूप में रहता है। तो हम आते हैं, बताते हैं दोस्तों, ये एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी है, एक्चुअली ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शैक्षिक तकनीकी। शिक्षा, जैसे कि आप जानते हैं, शिक्षा व्यक्ति में क्या करती है, व्यवहार का परिमार्जन करती है। शिक्षा बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करती है। विद्यालयी परिवेश में या जीवन पर्यंत चूंकि ये शिक्षा चलने वाली प्रक्रिया है, चाहे औपचारिक वातावरण हो, चाहे अनौपचारिक वातावरण हो, चाहे निरौपचारिक वातावरण हो, शिक्षा की प्रक्रिया दोस्तों चलती रहती है। और शिक्षा वो ज्योति है जो हमारे जीवन को, हमारे चरित्र को निर्मित करती है। अब तकनीकी की बात होती है तो तकनीकी किस रूप में मदद करती है? तकनीकी शिक्षा को आकर्षक बनाती है, तकनीकी शिक्षा को मनोरंजक बनाती है, तकनीकी के प्रयोग से शिक्षा को सरल और सुगम बनाया जा सकता है। आज चाहे मोबाइल गैजेट्स हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे टेप रिकॉर्डर हो, चाहे कैलकुलेटर हो, चाहे इंटरनेट के प्रयोग से पूरी दुनिया हमारी हथेली पे आ गई है। तो तकनीक का प्रयोग शिक्षा में दोस्तों बहुत अच्छे से हो रहा है। आप ई बुक जो है कंप्यूटर पे डाउनलोड करते हो, आज तो दोस्तों ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं जिसमें पूरे के पूरे कंटेंट को, पूरे के पूरे एजुकेशनल कंटेंट को, पूरे के पूरे शैक्षिक जो ट्रेजर है उसमें समाहित कर दिया गया है। अब शिक्षा पूरी तरीके से दोस्तों डिजिटलाइज्ड है। अब हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो भी शिक्षा का प्रारूप होगा दोस्तों, वो तकनीकी से प्रभावित रहेगा। तो जब हम शिक्षा और तकनीकों को मिला देते हैं तो दोस्तों ये शैक्षिक तकनीकी बनती है। अब बात करते हैं कि सर्वप्रथम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग इंग्लैंड में ब्राइनोमर जोन्स ने सन 1967 में किया था। सबसे पहले अगर ईटी की बात करें, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात करें, तो ये इंग्लैंड में हुई थी और जो थे वो ब्राइनोमर जोन्स थे। इंडिया में एनसीईआरटी दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि नई दिल्ली में है, ने शैक्षिक तकनीकी केंद्र प्रारंभ कर दिया है, सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो कि शोध, जो कि दोस्तों रिसर्च और ट्रेनिंग पे वर्क करता है। अब सर्वप्रथम अमेरिका के ओहियो प्रांत है दोस्तों अमेरिका में, एक विश्वविद्यालय में सिडनी प्रेसी, ये दोस्तों जो है शिक्षाविद रहे हैं, इन्होंने टीचिंग मशीन बनाया, शिक्षण मशीन का प्रयोग शिक्षण के क्षेत्र में किया। और उसी समय बहुत से ये बीएफ स्किनर हैं, ये भी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने शिक्षा और मनोविज्ञान पे दोस्तों बहुत सा प्रयोग किया। और 1950 में इन्होंने प्रोग्राम्ड लर्निंग मेथड अपना डेवलप किया। इसी वर्ष जिनका अभी नाम ले रहे थे ब्राइन मोर जोन्स, इन्होंने शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले अगर आपके से प्रश्न ये आता है कि शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग दोस्तों किसने किया, तो आप ये कहेंगे इंग्लैंड के ब्राइन मोर जोन्स ने किया था, पहली बार किया था। अच्छा, उसके बाद आते हैं, ये जो शैक्षिक तकनीकी है वो दोस्तों मुख्यतः तीन उपागम पे आधारित है। अब पहला उपागम दोस्तों क्या है, कठोर शिल्प उपागम, जिसको हम लोग हार्डवेयर अप्रोच ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी दोस्तों बोलते हैं। दूसरा है सॉफ्टवेयर अप्रोच ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और तीसरा दोस्तों है सिस्टम एनालिसिस, और इसको इस रूप में बोलते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड। और ये जो वर्गीकरण दोस्तों किया था, इसको लुम्सडेन ने किया था। अब थोड़ा थोड़ा आपको शॉर्ट में दोस्तों बता देते हैं कि ये है वाकई क्या। ये हार्डवेयर अप्रोच जो है वो फिजिकल साइंस और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पे बिलीव करता है। इनका दोस्तों ये मानना है कि कोई भी शिक्षा है
वो चाहे टीवी हो, टेप रिकॉर्डर हो, प्रोजेक्टर हो, कंप्यूटर हो, या स्मार्टफोन हो, या कोई भी गैजेट्स हो, उसके माध्यम से दोस्तों जब हम शिक्षा देते हैं, मतलब ये कुल मिलाकर के जो भी टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं उनकी अनिवार्यता पर ये हार्डवेयर अप्रोच बिलीव करता है। अब जैसे ये आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड है, तो दोस्तों ये हार्डवेयर अप्रोच है, लेकिन मैं इसमें इस मार्कर का यूज कर रहा हूँ, इससे मैं लिख रहा हूँ, ये जो लिखावट है ये सॉफ्टवेयर अप्रोच है, ये जो राइटिंग्स है ये सॉफ्टवेयर अप्रोच है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा फ्रेम आपके सामने व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ये हार्डवेयर है। तो ये कठोर शिल्प उपागम इस पे बिलीव करता है कि कोई भी शिक्षा आप देंगे, आप चॉक बोर्ड है स्कूल में, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, स्लाइड प्रोजेक्टर है, दीज आर द हार्डवेयर आइटम्स, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, दीज आर द हार्डवेयर आइटम्स, बट सॉफ्टवेयर अप्रोच इसमें बिलीव करता है। जो भी शिक्षा मनोविज्ञान में दोस्तों प्रयोग हुए हैं, जो भी हमारा मानविकी में प्रयोग हुआ है, उन सब सिद्धांतों का एजुकेशनल जो इम्प्लीकेशंस हैं वो सॉफ्टवेयर अप्रोच हैं। अब सॉफ्टवेयर अप्रोच में आपका बुलेटिन बोर्ड आ गया, आपका ये चौक जो आप चौक वर्क करता है ये आ गया, फ्लैनल बोर्ड आ गया, या कोई भी एजुकेशनल कंटेंट है जो कंप्यूटर पर डिज़ाइन किया जाता है वो सॉफ्टवेयर अप्रोच है दोस्तों। अब सिस्टम एनालिसिस क्या है, इन्हीं दोनों अप्रोच को जब आप मिला देते हैं, एक्चुअली ये दोनों अप्रोच दोस्तों इंटर रिलेटेड है, ये अंतर मिश्रित हैं, तो ये बन जाता है सिस्टम एनालिसिस या ET3। तो इसमें सिस्टम एनालिसिस में एक्चुअली दोस्तों को होता क्या है, इनपुट जैसे बच्चा है क्लास में हम लोग जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो बच्चे में एक संभावनाएं हैं, बच्चे में एक क्षमताएं हैं, बच्चा हमें जिस रूप में मिलता है दोस्तों, जो वातावरण स्कूल का मिलता है वो इनपुट रहता है, फिर उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं, हम लोग टीचिंग करते हैं, बच्चे के अंदर आमूल चूल परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं प्रोसेस करते हैं, उसके बाद बच्चे के अंदर वांछनीय परिवर्तन आ जाते हैं, डिज़ायरेबल चेंज दोस्तों आते हैं, तो वो क्या है आउटपुट है। तो ये इनपुट और जो कुछ हमने बच्चों को पढ़ाया प्रोसेसिंग, और अंत में दोस्तों जो आउटपुट आता है वो एनवायरनमेंट से भी इन्फ्लुएंस होता है, एक प्रणाली विकसित किया जाता है। सिस्टम एनालिसिस में विश्वास करता है कि हम एक प्रणाली विकसित करते हैं, एक कक्षा में हैं बच्चे, हैं बच्चे जिस रूप में हैं उनको, जिस रूप में हैं उससे एक अलग रूप में बच्चों को हम ले जाते हैं, तो एक सिस्टम को हम डेवलप करते हैं एक जो, तो उसमें उसमें दोस्तों चार चीज़ें मूलतः आती हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। तो दोस्तों आज मैंने आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बहुत बेसिक फंडामेंटल्स चीज़ें बताई हैं। आपको ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे अपने खूबसूरत दोस्तों कमेंट करना। लेकिन दोस्तों अगर आप मॉडल स्कूल राजगढ़ के इस खूबसूरत चैनल पे एकदम नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करेंगे बराबर से एक बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।